मंडल की दो पंचायत मसान नदी से हुआ प्रभावित। सैकड़ों एकड़ भूमि में लगाए गन्ना व धान की फसलें हुई बर्बाद। साथ ही कटाव से दोनों पंचायतों का मुख्य मार्ग ध्वस्त हो गया। मसान नदी ने सिसवा बसंत सलहा परी अरबा रायबारी महुआ हरदी नालवादा समेत दर्जनों गाँव में कहर बरसाया है। सड़क के ध्वस्त हो जाने से जगह जगह खंडर बन गया है, जिसमे बच्चों के डूबने की संभावना बन गई है। बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण प्रखंड बगहा एक ग्राम पंचायत सलहा बरियरवा के ग्राम झारमौवी मदरसा इमदादुल उलूम के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। ये मसान नदी के बाढ़ में जो है इस बार तोड़ दिया है, एकदम जो है इरायबारी महुआ से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहीं पर हाई स्कूल प्लस टू भी है और मस्जिद और ईदगाह भी है और मदरसा जो इक्विवेलेंट बीए एक से लेकर के बीए तक है, यहीं पे माध्यमिक स्कूल भी है। और ये मेन रास्ता है जो तोड़ दिया है, करीब करीब 45 फुट लंबा है और 15 फुट चौड़ा है और 13 फुट जो है गहरा है। इससे जो है ये मेन रास्ता है और ये जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है मसान नदी के बाढ़ के इस बार में। और जो है इसमें जो है बच्चों की डूबने की संभावना प्रबल हो गई है, इसलिए यहाँ के जनता जो है मांग कर रही है कि जल्द अज जल्द सुरक्षात्मक काम किया जाए, जिससे लोगों को जानी नुकसान से बचाया जा सके और मदरसा इमदादुल उलूम को भी जो मकान ढह रहा है उसको भी सुरक्षात्मक काम किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। कौन है आप? पंचायत समिति। आप हैं कि अभी पत्नी है? पत्नी है। अभी किस पंचायत के हैं? सिसवा बसंत पंचायत का। प्रखंड कौन सा पड़ता है? बगहा एक। जिला? जिला पश्चिमी चंपारण। क्या स्थिति अभी बाढ़ की आपकी? स्थिति ऐसा है कि हमारे पंचायत का वो परिस्थिति है, मैंने किसी मैंने आज के दौड़ में किसी के मैंने खाना बनाने का भी मैंने जगह नहीं बचा है पानी के चलते। क्या कटाव भी है का मुख मार्ग? कटाव तो खरे हो रहा है। सिसवा धर्मकता मुख मार्ग में कटाव? अरे सिसवा बसंतपुर बारवा जमदार टोला ऐसा परिस्थिति मैंने हो रहा है कि यहाँ मैंने जनता के खाने पीने का भी मैंने जगह बचा नहीं है पानी के चलते। सरकारी स्तर से क्या मुहैया? कोई लाभ नहीं है। नाव कैसा चल रहा है? तो सरकारी है। सरकारी स्तर पर चल रहा है? सरकारी स्तर पर चल रहा है। विधायक सांसद की तरफ से क्या मतलब? कोई माध्यम विधायक सांसद की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। बाढ़ का निरीक्षण कोई पदाधिकारी? कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं किया है।